पूरा गांव मिलकर शहीद परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में साथ रहे। शहीदों के चिताओं पर हर रस यूं लगेंगे, मेरे वतन पर मृत्यु वालों का ये आखिरी निशान होगा। उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो कश्मीर फाइल पिक्चर को फर्जी समझते हैं, वो जाकर बांग्लादेश की हकीकत फिल्म को देख ले। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण से देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल हम मौजूदा झुंझुनू के मारी गांव के अंदर था। हमें पीछे एक शहीद की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, जो अनावरण है वो किए गए है। वर्तमान में जगह अपना मंत्री ही राजस्थान सरकार के अंदर जाबर मल जी खर्रा और साथ में जगह सैनिक कल्याण बोर्ड का जगह अध्यक्ष सिंह प्रेम सिंह जी बाजो और काफी जगह बीजेपी का जगह बड़ा नेता राजू जी बापू के मैं बात करा, साथ में सुप्रीम जी चौधरी के मैं बात करा, पे उरा मौजूद ही और शहीद ने जो वो आप कह सकें सम्मान दे रहे काम करे जा रहे हैं। 2022 के अंदर राजेंद्र प्रसाद बापू जी जगह पे देश के लिए वीर गति में प्राप्त हुआ है और झुंझुनू को जो है वो नाम बिल्कुल शहीदा की जगह नगरी खोजा खोजा है। हर गाँव के अंदर एक नहीं दो नहीं कई गाँव के अंदर तो एक साथ साथ में पांच से छह जगह शहीद है, बड़ी प्रतिमा थाने मिल जाएगी। और आया है और शहीद को जो सम्मान को जो प्रोग्राम है वो रो रहा है और बातचीत कराऊंगा आप मंत्री साहब से और साथ में जो वो बताऊंगा थाने की जगह आपका नेता ही बीजेपी का और साथ में जगह सैनिक कल्याण बोर्ड का जगह अध्यक्ष बहादुर जी बड़ कोई प्रकार खड़ा। अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। इस ग्राम पंचायत में ये पांचवें शहीद हैं और मैं देश के सभी निवासियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जामा जवान चाहे वो सैन्य बल के हो चाहे अर्धसैनिक बल के हो, वो 24 घंटे सजग रहकर सीमा पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पण करने का मादा रखते हैं। उनके प्रति और उनके परिवारजनों के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि श्रद्धा का भाव रखें, सहयोग का भाव रखें और उनके परिवारजनों को हर प्रकार के सहयोग में, उनके सुख में दुख में सब में सहभागी बने और उन्हें ये महसूस नहीं होने दें कि उनके परिवार का एक जांबाज जवान जो सीमा पर शहीद हुआ था उसकी वजह से वो अकेले पड़ गए। पूरा गाँव मिलकर शहीद परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में साथ रहे, तभी हमारे जवान सीमा पर पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सन्नत के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में तन्मयता से जुटे। बाकी लोग कैसे मरते हैं, कम मरते हैं, कम मरा, कौन मरा, कितने दिन याद रखते हैं, ये एक सोच विचार करने वाली बात है। इसलिए मात्र शक्ति से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को जन्म से ही शौर्य का वीरता का पाठ पढ़ाएं और उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकों से भी एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो उन्हें सत शिक्षा और सत संस्कार का पाठ पढ़ाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करें। जब मातृशक्ति उन्हें शौर्य और वीरता का पाठ पढ़ाएगी और पितृशक्ति जब उन्हें सत शिक्षा और सत संस्कार का पाठ पढ़ाएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी मातृभूमि भारतवर्ष की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और इस सब के लिए आवश्यक है कि हमें हमारे विचारों में, हमारे सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हम सब मिलकर जितने हमारे गौरव सेनानी हैं, जितने हमारे शहीद परिवार हैं, जितने हमारे शहीद वीरांगना हैं, उनके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यही हमारे उन वीर जवानों की शहादत को सही रूप में श्रद्धांजलि होगी और यही हमारे उन लाखों करोड़ों उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने कुछ सपनों के साथ, कुछ आशाओं के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ उस स्वतंत्रता आंदोलन में भीषण यातनाएं सहते हुए अपना सर्वस्व कुर्बान करके हमें ये जो आज़ादी दिलाई थी और उसके बाद आज़ादी के बाद उस आज़ादी को अक्षुण रखने के लिए हमारे हजारों सैनिकों ने सीमा पर जो शहादत दी है उन सबको स्मरण करते हुए हमें उनके प्रति सही श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और सही श्रद्धांजलि देने का वक्त है।
और ये भाव जब हमारे मन में आएगा तो भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 आते आते जब देश के आजादी के 100 साल पूरे हों, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे विकसित और सबसे समृद्ध और सबसे सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बने, उसको पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं पाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर सभी गौरव सेनानियों और सभी शहीद परिवारों और सभी वीरांगनाओं के चरणों में नमस्कार और सभी उपस्थित समूह को यथायोग्य राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक व्यक्ति ने तोलाई में लिखी हर दाद आपकी शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण होता है, मैं भर्म से कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि शहीदों के चिताओं पर हर वर्ष सिरोही लगेंगे मेरे, शहीदों के चिताओं पर हर वर्ष सिरोही लगेंगे मेरे, वतन पर मिटने वालों का ये आखिरी निशान होगा। मंत्री महोदय, आज आर्मी फोर्स की बात कर रहे थे, बर्मा और रंगून की सड़कों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पागल की तरह जा रहे थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, ये शब्द सुनकर विदेशों की महिलाएं, वीरांगनाएं, वहां की मातृभूमि माताओं ने छतों पर चढ़ चढ़ कर अपने आभूषण के झोली में डाल दिए, मात्र इसलिए धरती पर कोई गुलाम नहीं रहना चाहिए। आजादी शहद में नहीं मिली। महाराष्ट्र के मंत्री महोदय और मुकेश अधिकारी को एक बात कर रहा था, कल परसों मैंने कहीं पढ़ा बिहार के जनता पार्टी वाले कश्मीर भाई के फर्जी फिल्म दिखाकर लोगों में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो कश्मीर फाइल पिक्चर को फर्जी समझते हैं, वो जाकर बांग्लादेश की हकीकत फिल्म को देख ले। हिंदू समाज की बेटी के साथ किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार उसको प्रताड़ित किया जाता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता, मैं कहीं किसी की भावना नहीं भटकाना चाहता, पर मैं आपको जताना चाहता हूँ किसान पुत्रों, ये धन और ये व्यवसाय सारे के सारे यही रहने चले जाएंगे। ए किसानों, ए किसान बहनों, किसान बुजुर्गो, आप लोग किसी खेती से जुड़े हुए लोग हो, जमाबंदी और खतूनी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, इस धरती पर परमानेंट खतूनी और जमाबंदी कोई है तो वो सामने है, वही एक जमाबंदी है जो जीवन पर्यंत साथ रहेगी, वरना तो लोग मरने के 5 दिन बाद पटवारी को ग्राम सेवक को ढूंढने लग जाते हैं, क्या काम है, जरा नामांतरण भरते भैया क्या करेगा, बाप की जमीन का नामांतरण कराऊंगा, 12 दिन के बाद कोई जमाबंदी यथावत बढ़ते परमानेंट नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती, ये एक जमाबंदी है जो जीवन पर्यंत स्थायी रहती है। और जमाबंदी के साथ मात्र राजेंद्र बाबू नहीं, राजेंद्र प्रसाद की माँ, राजेंद्र प्रसाद के पिता, उनकी अर्धांगिनी और उनके बच्चों, उनके बहनों का नाम अमर रहता है, आगे वाली पीढ़ियों को जाने न जाने, पिछले वाली पीढ़ियों को जाने न जाने, पर एक पीढ़ी को लगातार जीवन पर्यंत सैकड़ों साल तक लोग याद रखेंगे। इस मालीगांव की धरती में कोई राजेंद्र प्रसाद पैदा हुआ था, इस माता की कोख को बार बार नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, इस वीरांगना बहन के सिंदूर को नमन करना चाहता हूँ, इनके मुकदमे को नमन करना चाहता हूँ, कहीं इन्होंने किस प्रकार इस अंश को झेल कर भी आज हम सब लोगों के बीच में एक इतिहास पैदा रचा है कि वो दिल और जरूर के साथ अपने बच्चों को पालकर राजेंद्र प्रसाद की इस जमाबंदी को आगे बढ़ाने के लिए आपको है, मैं आप पूरे परिवार को प्रणाम करना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और ये भी कहना चाहता हूँ, एक किसान समुदाय के लोगों, संगठित होकर देने की जरूरत है, एक साथ होकर देने की जरूरत है, चर्चाएं तो करते हो, नहर नहीं आई, कल परसों मंत्री महोदय राजस्थान में किसान सेवा आयोग के अध्यक्ष आए थे माननीय सी आर चौधरी साहब, मंडावर से सचिन आए, 30 साल तक धोखा खाते रहे, एक ही आदमी को नहर के नाम पर वोट डालते रहे, मैंने उनसे पूछा आपकी बार आपने क्या किया, हमें सम्मान भी चाहिए, देश का स्वाभिमान भी चाहिए, नहर भी चाहिए, विकास भी चाहिए, और उस दिन ऐसी गलतियां करते हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, वरना जिस प्रकार बांग्लादेश की हकीकत और हस्ती मिट रही है, हमारी हस्ती भी कोई बहुत लंबी देर तक रुकने वाली नहीं है, ये समझो और सोच समझ के निर्णय करो, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हालांकि ये शहीद की प्रतिमा का अनावरण समारोह है, पर ऐसे समारोह में भी क्योंकि उन्होंने मात्र अपने लिए बलिदान नहीं किया,
पेंशन के लिए बलिदान नहीं किया, सरकार तनखा देती इस बात के लिए बलिदान नहीं किया, उन्होंने बलिदान किया जो मंत्री महोदय पे कह रहे थे कि देश की सेवा के लिए जज्बा और जुनून और सनक उनके दिल में होती है, उस सनक को जिंदा रखने के लिए, उसको स्थायी रखने के लिए उनको भी याद रखे और हमारा राजनीतिक भविष्य भी सुनिश्चित करने के लिए कौन हमारे खैर ख्वाह है, कौन हमारे सब भला कर सकते हैं, कौन हमारा विकास कर सकता है, ऐसे लोगों के बारे में चिंतन करने की कोशिश करें और संगठित रहे। और दी साहब साहब देखियो कि प्रोग्राम के अंदर जो वो काफी सारा बातें जगी है, शहीद की और देशभक्ति की बातें, साथ में कुछ राजनीतिक बातें भी जगी पे राजनेता जड़े हुए और राजनीतिक बातें नहीं हुई या तो हो सके, लेकिन जगह मेन बात ही बात खड़ो यही हो कि जो को आदमी देश के लिए शहीद हो, आपको जो सर्वोच्च नौछावर कर दे वो जिंदगी भर के लिए अमर जो को है वो हो जाए और शहीदान जो को सम्मान मिलना। जी साहब साहब देख रहे हैं कि झुंझुनू के अंदर तो मेरे हिसाब से तो कोई की कमी होगी क्योंकि अगर कोई शहीद हुआ है तो बड़े तिरंगा यात्रा की बात हो चाहे बतरा की अंतिम दर्शन की बात करो, पूरा जो झुंझुनू है वो आपका लागले उमड़ जाए और भारत माता का जगह जयकारा ही बिल्कुल लाग जाए, पूरे आसमान के अंदर जो को गूंज उठे। लेकिन फिर भी आपने देखा कि कई जगह है जगह मौका ही जटे शहीद की जगह प्रतिमा है अभी तक लागी को रह जाएगा। बस हाउसरी की बात करा तो हाउसरी के अंदर काफी सालों को जो इंतजार है वो आखिरकार खत्म हुए हैं और काल जो है वो अपने जगह छत्रपाल जी शहीद छावसरी गांव से बणकी भी जी प्रतिमा अभी को अनावरण होगा तो बहुत ही अच्छी बात है और सीता को सम्मान होना है वो लगातार से जरूरी है। वो थाना भी क्या करना है, वंदे मातरम साथ में जय हिंद जो है वो कमेंट से जरूर से निकल रहा है। मिलांगा अगली अपडेट में, तब तक ले राम राम।